तो ये हमारी छोटे बैंगन की मसालेदार सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसालेदार चटपटी सब्ज़ी बनी है। और एक बार आप इस तरह से छोटे बैंगन को बना के देखिएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी, पराठा, रोटी, राइस, किसी के साथ भी। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी। मैं हूँ साक्षी, आपकी होस्ट। और आज हम लोग ट्राई करेंगे ये छोटे बैंगन की मसालेदार सब्ज़ी। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इस तरह से आपको छोटे बैंगन लेने हैं और आज छोटे बैंगन की ही सब्ज़ी बताने वाली हूँ और बिल्कुल यूनिक सब्ज़ी है, बहुत अच्छी और टेस्टी बनेगी। सो इस तरह से मैंने बैंगन को धो लिया है अच्छे से और इस कपड़े से इसको पोंछ लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें कोई पानी ना रह जाए। हमें अभी इसे फ्राई करना है। सो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। इस तरह से इसको पोंछ लेंगे कपड़ों से, मॉइस्चर हट जाए इसका। और इसके बाद हम इसमें जीरा लगाएंगे। अब हमें बैंगन में भरने के लिए कुछ मसाले तैयार करने हैं। थोड़े से 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इतना ही 1/2 टीस्पून लगभग लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम लेंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा नमक। सो थोड़ा ही थोड़ा लेना है फ्रेंड्स, जितना कि आप बैंगनों में भर लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, सो इस तरह से आप बैंगन को ले लेंगे और इसको मैंने वॉश कर लिया है और अच्छे से मैं इसको ड्राई कर लूँगी। तो इस तरह से बैंगन को ले लेंगे और इसके बाद इसमें कट लगाएंगे। मैं दिखाती हूँ, ऐसे मैंने हाफ कट लगाया। अब इसको फिर क्रॉस करेंगे इस तरह से, 4 पीसेस वाले कट करने हैं, ये देखिए, और इधर से जुड़े होने चाहिए। तो ये जो मैंने मसाला दिखाया था आपको बना के, तो इस तरह से अब इसको भर लेंगे। तो ये मैंने कुछ बैंगन पहले से ही फिल कर लिए हैं। अब मैं इसको लूँगी इस तरह से पोंछ लूँगी ताकि पानी हट जाए, और अब इसको इस तरह से कट लगाएंगे, चेक कर लेंगे कहीं पे कीड़े वीड़े तो नहीं हैं, कालापन तो नहीं है। इसको एक चीज इस तरह से चार बाटी करके अब इसमें हम दो काले मसाले फिट कर लेंगे। अगर आपके थोड़े भी ये मसाला बच जाता है तो ये आप सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। सो मेरा थोड़ा सा बच गया है और इसको अब मैं सब्ज़ी में यूज़ करूँगी। सो आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। सो ये सरसों का तेल मैंने डाल लिया है। अब जब तक तेल से धुआं नहीं आ जाता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम इस बैंगन को फ्राई करेंगे। सो गाइस, हमारा तेल गरम हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें एक एक करके बैंगन को इस तरह से रख देंगे और अपने आप को बचाते हुए तो हम थोड़ी देर ढक देंगे, और ढकने के बाद थोड़ी देर बाद हम इसको फिर पलट देंगे। तो चलिए तब तक मसाले तैयार कर लिया है। और ग्राइंडर में हमने ले लिया है 2 बड़े टमाटर, 1 से 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, धीरे धीरे पलट लेंगे। इसी तरह से अच्छे से भूनना है। आपको बचाते हुए काम करिएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने पलट लिए सारे बैंगन को, और ऐसे ही घुमाते हुए इसे अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने थोड़े से ही तेल में किया है। तो इसको हमें 70% पका लेना है ऐसे ही भूनते हुए।
सो गाइस हमारा बैगन पक गया है, आप देख सकते हैं इतना लगभग फ्राई करना है। अब इसको इस तरह से हम एक जगह निकाल लेंगे। सबसे पहले हम डाल लेंगे ये तेज पत्ता, मैंने दो तेज पत्ते थोड़े से कट कर लिए हैं। उसके बाद डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, थोड़ी सी हींग और इसको हम चला लेंगे। हमने वो पेस्ट तैयार कर लिया है टमाटर वाला जो मैंने दिखाया था, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको हम चला लेंगे। अब मसाले को हमें थोड़ा टाइम दे के भूनना है अच्छे से। अभी इसमें हम कुछ स्पाइसेस और मिलाएंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे धनिया पाउडर 1.5 चम्मच के करीब, फिर इसमें मिलाएंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और उसमें हम मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मिला लिया। तो अब मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम पकाएंगे अच्छे से। ये हमने 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर मिला लिया है। अब मिलाएंगे इसमें नमक भी। सो नमक आप अपने स्वादानुसार मिक्स कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए तेल छोड़ने लगे हैं। सो इतने तक आपको मसालों को पकाना है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। ये 2 कटोरी के लगभग पानी है और ये वही है जिसमें मैंने मसाले भरने वाले तैयार किए थे, उसी में मैंने पानी ले लिया है। सो अब इसको हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें हम ये जो हमने बैगन भून के रखे थे इसको हम बहुत ही आराम से इसमें रख देंगे। अब इसको हम चलाएंगे नहीं, ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। तो इस तरह से आप बीच में एक बार बैगन को पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से मसाले इसमें भिन जाएं और अच्छे से पक जाएं। सो टेस्टी बैगन बिल्कुल तैयार है, ये छोटे बैगन की टेस्टी सब्ज़ी। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया, ढेर सारी जैसी आपको पसंद हो, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है हरी धनिया। सो इस तरह से हरी धनिया डाल देंगे, बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी के साथ भी, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, राइस के साथ भी ले सकते हैं। सो ये रही छोटे बैगन की टेस्टी रसे वाली सब्ज़ी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग तारीफ़ पा सकें ये सब्ज़ी बना के।